सुंदर भवन बने हैं आज भीम ने जैसे चारों तरफ को देखा, अरे बाप ये कौन सा लोक है। कहने लगी ये पातालपुरी में वासुकी कन्या अहलंदे हूँ। कहने लगी आप मुझे विशाल सैन्य कक्ष में क्यों, यहाँ पर मुझे क्यों लिए बैठे। आज उसी समय कहने लगा हम कहाँ आ गए, अरे हम आ कौन सी जगह गए। एकदम अलमदे कहने लगी तुम अरे तुम मैं तुम्हारे लिए गंगा जी से उठा के आई। तुम्हारी मृतक अवस्था थी, मैंने तुम्हारे लिए अमृत पिलाया है और अमृत पिला करके मैंने तुमको जिंदा किया है। मैं वासुकी कन्या, ये मेरा राज्य दरबार है, ये मेरा राज्य भवन है और आप हमसे विवाह कर लीजिए। भीम कहने लगे कैसी बातें कर रही हो, अरे क्या कह रही हो तुम। बोले नहीं हम तुमसे सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ बात समझ नहीं आती। स्त्री चाहे तो इंसान को स्वर्ग में बिठा दे, स्त्री चाहे तो इंसान को खाक में मिला दे, स्त्री चाहे तो इंसान को स्वर्ग में बिठा दे और स्त्री चाहे तो इंसान को खाक में मिला दे। आज उसी समय समझा रहे हैं तुम मेरी बात मान लो, अगर तुम मेरी बात मान लोगी, मेरी बात मान करके आप हमें यहां से जाने दीजिए ना। अरे जाने दीजिए ना, एकदम जवाब दिया नहीं, तुम्हें इतना गर्व होना चाहिए, मैंने तुमको जीवन दान दिया है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। आज उसी समय कुछ समझ में नहीं आता, भीम सो योद्धा खड़ो खड़ो समझाए सूरज, भीम सो योद्धा खड़ो खड़ो समझाए, कोई जालन से कोई बालन से जालन से आए जाए, कोई बालन से बालन से आए। अरे बार 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 समझा रहे हैं, अरे तुम हमें जाने दो ना, तुम क्यों नहीं जाने देती, बहुत भारी दरबार है। भीम सो योद्धा खड़ो खड़ो समझाए,
जालन से मालन से आए जालन से कोई बालन से कोई कालन से बालन से आए नहीं जालन से पालन से भीम बार बार समझा रहे हैं देवी हमें जाने को बोले नहीं। राजा बासु को मालूम पड़ा काफी दिन हो गए महलों में रहते रहते हमारी कन्या के साथ कौन है। दरबार में बुला लिया, पूछा आप कौन। बोले हम हस्तिनापुर नरेश पांडु के पुत्र हैं। हस्तिनापुर नरेश पांडु के पुत्र। तुम्हारी इतनी सामर्थ कैसे हो गई जिस पाताल लोक में हमारी पुत्री के साथ रंगलियां मना रहे हो। आदेश दे दिया सर्प, उसे 10 लग। अब सर्प दौड़े, अमृत तो पहले ही पी लियो। युद्ध होने लगा, कुछ सर्पों को पैरों से रगड़ा।